हेलो। तो मैं आप लोगों को पैलाग्राम थ्योरम का कैलकुलेशन बताऊंगी कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटल पोर्शन को कर लिया है, अब हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन पार्ट को सॉल्व किया हुआ, तो यह हमारा पैलाग्राम है जो मैंने ड्रॉ किया था। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें जो ये डायगोनल का लेंथ है उसको नाप लिया है। इसके बाद हमें जो पी और क्यू के बीच का एंगल है इसे हमें नापना पड़ेगा। इसे हम किसके द्वारा नापेंगे, इसे हम प्रोटेक्टर जो चांदा रहता है उसके द्वारा हम नापेंगे। तो ये एंगल कितना आया, ये हमारा एंगल आया 95 डिग्री। इसका यूज़ क्या है, ये अभी हम जो आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है, इसका यूज़ क्या है। अब ये मैंने टेबल को बनाया हुआ है, इस टेबल को हमको कैसे डाटा को फिल करना है। पी हमारा कितना था, पी हमारा था 150 ग्राम, ये मैंने लिख दिया। क्यू हमारा 150 ग्राम, आर हमारा 200 ग्राम। अब ये मैंने इसको लेंथ के रूप में कन्वर्ट कर लिया था कि लेंथ के फॉर्म में कैसे आएगा। तो मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 25 ग्राम माना था, तो पी की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर, क्यू 6 सेंटीमीटर और आपका 8 सेंटीमीटर होना चाहिए था, है ना। एंगल मैंने नाप लिया 95 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आर की वैल्यू को कैलकुलेट कितना है, जो हमने ये डायगोनल है जो हमारा ये जो पैरेललोग्राम है इसमें इस आर की वैल्यू कितनी थी। आर की वैल्यू जो हमने, अगर आपने देखा होगा कितना था हमारा, 8.5 सेंटीमीटर आया था जो हमने स्केल से नापा था। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेट में कन्वर्ट करने पे कितना होगा आपका, 8.5 × 25 इज इक्वल टू 212.5 ग्राम। ये हो गया हमारा आर जो हमने इस डायग्राम से नापा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें आर कैलकुल इस आर कैलकुलेटर की वैल्यू निकालना है। इस आर कैलकुलेटर की वैल्यू हमें कहाँ से निकलेगी, ये जो हमारा फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ cos थीटा। यहाँ से हमारा क्या होगा, इस आर की वैल्यू निकलेगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें जो भी वैल्यू है पी क्यू आर इस सब की वैल्यू डालना पड़ेगा। तो पी का मान कितना है, 150, क्यू का मान 150, ठीक है, 2P 2 × 150 × 150 × cos 95 डिग्री, ये मैंने निकाल दिया। तो हम आर का मान मिलेगा 202 ग्राम। ये हमारा क्या है, जब हमने फॉर्मूले से निकाला है, ये हमारा फॉर्मूले हो गया। अब जो हमारा ये है जो हमने क्या डायगोनल को नापा है कितना है आपका, ये है 212.5 ग्राम। दोनों में जो अंतर आएगा ये मैंने लिख दिया है, आर ऑब्जर्व जो मैंने अभी फॉर्मूले से निकाला है वो, और जो हमारा आर कैलकुलेटर जो हमने डायगोनल को नाप के निकाला वो, दोनों हम क्या किए हैं, हम लोग को यहाँ पे आपका लिख दिए, यहाँ पे हमने क्या किया दोनों को लिख दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों के बीच अंतर निकालना पड़ेगा। दोनों के बीच हम जो एरर निकालेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रेट। तो हम इसका एरर निकाल सकते हैं आर ऑब्जर्व माइनस आर कैलकुलेटर निकाल के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इस प्रैक्टिकल का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसे आपका दूसरे दूसरे वेट को चेंज करके कर सकते हैं, वेट बढ़ा के कर सकते हैं, तो और हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये तो उसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं।